एक बहुत प्यारी सी एक स्टोरी लेकर आज आपके बीच फिर मौजूद हूँ। स्टोरी को बहुत ध्यान से और एंड तक जरूर सुनिएगा। स्टोरी को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वो आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी होगी। यह स्टोरी एक हिरन की है। एक हिरन जंगल में वादियों में घूम रहा होता है। जंगल में घूम फिरता फिरता पानी की तलाश में यहाँ जाता है वहां जाता है, लेकिन उसको कहीं पर पानी नहीं मिलता। सारे जंगल में घूम फिर कर आकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मायूस वो हिरन बैठा, बहुत देर हो जाती है। फिर उसको एक पानी की आवाज आती है, जैसे पानी बह रहा हो बहुत तेज तेज। तो आवाज सुनकर बहुत तेज वो दौड़ लगाकर चला जाता है हिरन। वहां जाकर देखता है तो एक बहुत बड़ी नदी मिल जाती है, और नदी देखी तो उसके प्यास सा था ही। वो एकदम बहुत ज्यादा खुश हो गया और सीधा गया नदी के तट पर पहुंचा। और जो उसने अपने राइट देखा तो शिकारी तीर से निशाना मिला रहा होता है, और जो लेफ्ट देखा तो शेर। पीछे पलट कर देखता है तो जंगल में आग नजर आती है। अब हिरन प्यास में तो सब भूल जाता है कि हम पानी पीने आए थे और क्यों आए थे क्यों नहीं आए थे। उसको जान बचाने की पड़ जाती है कि हम अपने जान कैसे बचाएं, हम करें तो करें क्या। वो 2 मिनट सोचती है कि हम करें तो करें क्या। इस साइड देखते हैं राइट में तो शिकारी निशाना लगा रहा है, इस लेफ्ट में शेर खड़ा है, पीछे आग है, आगे दरिया है, चारों तरफ से परेशानियों से घिर चुकी है वो। अब करे तो करे क्या। उसने सोचा मरना तो है ही, तो हम जिस काम के लिए यहाँ है वो काम करें फिर मर जाएंगे। पानी पिया, पानी जैसे ही पीने लगती तो आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। जब जैसा ही वो उठती है पीछे देखती है तो बारिश की आग बुझ जाती है और शिकारी का निशाना चूक जाता है, तो शेर में लग जाता है। शेर उसके पीछे दौड़ लगा देता है शिकारी के पीछे। तो जैसा ही वो पानी पीकर उठती है तो इस साइड देखती है राइट में ना उसे शिकारी नजर आता है, और लेफ्ट में देखती है तो ना उसे शेर नजर आता है, और जब पीछे पलट कर देखती है तो आग भी बुझी हुई नजर आती है। और फिर वो वापस पीछे जहां जाना था अपने जंगल में फिर वो चली गई। इस कहानी से हमें ये सबक लेना चाहिए, एक नंबर वन तो परेशानी आती ही नहीं, अगर आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं। हमें उन परेशानियों से मायूस नहीं होना, हमें उन परेशानियों से घबराना नहीं है, उनका डटकर सामना करना है। हम जो कर रहे हैं करते रहें, हम कोई भी काम करना शुरू करेंगे उसमें हम बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, फैमिली से प्रॉब्लम आ जाती है, आर्थिक परेशानी भी आ जाती है, और भी तरह तरह की कई प्रकार की परेशानियाँ आ जाती हैं। हमें उन परेशानियों से घबराना नहीं है। किसी भी प्रकार की कामयाबी हो उसका जो पहला कदम होता है सबसे टफ वो ही होता है कठिन। एक शायर कहता है कि किए जाए नाम खुदा लेकर, कामयाबी ही सब कुछ नहीं करना ही कामयाबी है। तो हमें इस कहानी से सबक मिलता है, कितनी ही परेशानियां आ जाएं हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी से नहीं डरना, हमें अपने डटकर उनका सामना करना है। और जो परेशानियां जब हम कामयाब हो जाते हैं तो परेशानियां खुद ब खुद चली जाती हैं। अगर उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। साथ ही अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि हमारा आने वाला लेटेस्ट वीडियो और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए होती है फिर किसी अगले शो में मुलाकात, तब तक अलविदा।